फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया प्लेलिस्ट जो कि होगा डीबीएमएस का ऊपर में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या तो डीबीएमएस क्या होता है। तो डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को मैनेज कर पाते हैं, मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है। तो एक्चुअली डेटाबेस होता क्या है, तो डेटाबेस एक बैकएंड सिस्टम है। दैट मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड होता है जिसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग अगर ऑपरेट करते हैं तो वो होता है फ्रंट एंड, और बैक एंड होता है जो पीछे में रह के काम करता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक फिल्म का एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी एक फिल्म में अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन क्या होता है, कौन होता है उस फिल्म का, तो आपका आंसर क्या होगा, मे बी एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऐसा होगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो होता है वो होता है कैमरामैन। दैट मीन्स अगर कैमरामैन नहीं होगा तो फिल्म नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन पूरा फिल्म हम लोग का चला मतलब खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग कैमरामैन कौन है हम लोग देख नहीं पाते। दैट मीन्स कैमरामैन जो होता है कैमरा का पीछे में होता है, दैट मीन्स कैमरा का बैक साइड में होता है। तो ये होता है डेटाबेस का काम। दैट मीन्स डेटाबेस भी ऐसा ही होता है जो बैक में पीछे में रह के काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए फेसबुक, मान लीजिए सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, फेसबुक में हम लोगों ने 2 साल पहले क्या फोटो या तो कोई पोस्ट, कोई भी पोस्ट हम लोग अपलोड किया था, तो उसको हम लोग क्या कर पाते, देख पाते हैं उसमें कौन सा पर्सन ने लाइक किया था, किसने कमेंट किया, किसने शेयर किया, हर एक चीज़ हम लोग का क्या रहता है, फेसबुक में स्टोर रहता है। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ में स्टोर रहता है, फेसबुक का एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस में स्टोर रहता है। गूगल में हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो हम लोग को इंस्टेंटली हम लोग को आंसर मिलता है। कहाँ से मिलता है, गूगल का अपना एक डेटाबेस है, डेटाबेस से हम लोग को मिलता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो डेटाबेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और डेटाबेस क्या होता है, एक बैक एंड सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक, फेसबुक का जो ऐप होता है ये हो गया फ्रंट एंड, और बैक एंड जो होता है वो क्या होता है, सर्वर में होता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है लेकिन एक्चुअल चीज़ जो होता है उसी में स्टोर रहता है। तो ये होता है बेसिकली एक डेटाबेस का फंक्शन। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है, मतलब डेटाबेस को बनाने के लिए डेटाबेस का लैंग्वेज होता है। तो डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है, सो ए डीबीएमएस हैज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड इंटरफेस टू एक्सप्रेस डेटाबेस क्वेरीज एंड अपडेट्स। मतलब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में कुछ कमांड होता है, डेटाबेस का जो लैंग्वेज होता है उसका कुछ कमांड्स होता है जो कि डेटाबेस को बनाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए उस हम लोग का काम में आता है। डेटाबेस लैंग्वेज कैन बी यूज टू रीड, स्टोर एंड अपडेट डेटा इन द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस लैंग्वेज जो होता है वो डेटाबेस में डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए और उस डेटा को अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली द टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस, तो डेटाबेस लैंग्वेज जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहले है DDL, उसके बाद DCL, उसके बाद DML, उसके बाद TCL। तो ये 4 प्रकार का जो डेटाबेस लैंग्वेजेस है वो हम लोग आपस में होता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि DDL क्या होता है। तो DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग DDL बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, इट इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। मतलब DDL जो होता है वो डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका अंदर में क्या होगा, उसका अंदर में कैसे हम लोग टेबल को बनाएंगे, टेबल में क्या क्या एंटिटीज होगा, तो हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग को डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है, जो कमांड्स होता है वो हम लोग को चाहिए होता है। तो बेसिकली जब हम लोग डेटाबेस लैंग्वेज का बात बोलेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग को, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को मिलता है बहुत अलग अलग क्या होता है, कमांड होता है। तो डेटाबेस लैंग्वेज में भी बहुत अलग अलग कमांड होता है। तो जो कमांड है, जो डेटाबेस लैंग्वेज का कमांड है, उस कमांड को 4 भागों में भाग किया जाता है। पहला वाला है DDL। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है इसमें क्या होता है,
डेटाबेस को, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर या तो उसका जो पैटर्न है उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कमांड यहाँ में कुछ मैंने एग्जांपल के लिए कुछ कमांड यहाँ में लिख के रखा है, क्रिएट। सो क्रिएट से हम लोग टेबल बना सकते हैं, क्रिएट से हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं। तो क्रिएट कमांड का यूज़ किया जाता है, ऑल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है, मतलब अगर कुछ चेंज करना है तो ऑल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है, ड्रॉप कमांड का यूज़ किया जाता है, ट्रंकेट, रीनेम और कमेंट। तो ये सब कमांड यूज़ होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब ये सब कमांड को डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहा जाता है। दैट मीन्स हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा। ये जितना भी यहाँ में आप लोगों को कमांड दिख रहा है ये सब कमांड क्या होता है, डेटा डेफिनेशन मतलब DDL का अंडर में आता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब डेटा को कंट्रोल करने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, जो कमांड यूज किया जाता है, इट इज यूज टू रिट्रीव द स्टोर और सेव डेटा, मतलब जो डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है उसको रिट्रीव, उसको लेने के लिए, मतलब उसको यूज करने के लिए हम लोग का ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या आता है, ग्रांट आता है और रिवोक आता है। तो ये दो जो कमांड है, ये कमांड किसके अंडर में आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर में आता है। सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर में स्टोर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब इट इज यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन द डेटाबेस, इट हैंडल यूजर्स क्वेरी, मतलब जो डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब मान लीजिए आगे का नंबर को पीछे दिखाना है, पीछे का नंबर को आगे दिखाना है, तो इस तरीके से हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कमांड आता है, सिलेक्ट कमांड है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, सेल, एक्सप्लेन पेन और लॉक टेबल। तो इस तरीके का कुछ कुछ कमांड्स होता है जो कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर में आता है। तो ये सब कमांड का जो भी कमांड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कमांड हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग SQL में करेंगे, MySQL में, MySQL का यूज करके हम लोग हर एक कमांड को अलग अलग से सीखेंगे। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यही होता है जिसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। TCL इज यूज टू रन द चेंजेस मेड बाय द DML स्टेटमेंट, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से जो हम लोग का जो स्टेटमेंट, जो हम लोग चेंज किया है डेटाबेस में, उसको रन करने के लिए यूज किया जाता है। TCL कैन बी ग्रुप इनटू लॉजिकल ट्रांजिशन। तो यहाँ में दो कमांड होता है, कमिट कमांड होता है और रोल बैक कमांड होता है। ये दो कमांड क्या होता है, TCL का अंडर में आता है। तो ये सब है जो है चार प्रकार का अलग अलग कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के अंदर में अलग अलग जो हम लोग का डेटाबेस लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज का कमांड सब हम लोग का यहाँ में आता है। तो यहाँ में जितना भी कमांड हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हर एक कमांड को हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग सीखेंगे और उसमें हम लोग प्रैक्टिकली हर एक जो लैंग्वेजेस है, हर एक जो कमांड है, हर एक कमांड को हम लोग सीखेंगे कौन सा कमांड को कैसे यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल में करेंगे। प्रैक्टिकल मतलब हम लोग MySQL का जो इंटरफेस है, MySQL के इंटरफेस को ओपन करके हम लोग डायरेक्टली उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे डेटाबेस बनाया जाता है, उसके अंदर में डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। तो आज का ये जो वीडियो है एक बहुत ही बेसिक वीडियो है, मतलब डेटाबेस के ऊपर में एक बहुत ही ब्रीफ एक आइडिया है। इसमें हम लोगों को पता चला कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस का क्या क्या टाइप होता है, डेटाबेस लैंग्वेज का क्या क्या टाइप होता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।